हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में आपको शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको एक्ने है और एक्ने के मार्क्स है तो दोनों को आप इकट्ठे एक ही फेस पैक से किस तरीके से क्योर कर सकते हो। मैं ज्यादातर टाइम ना एक्ने के लिए अलग मार्क्स देती हूँ, एक्ने मार्क्स के लिए अलग मार्क्स देती हूँ, एक्ने स्कार्स के लिए अलग ट्रीटमेंट देती हूँ, पर आज का जो ट्रीटमेंट है ये स्कार्स के ऊपर तो इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, पर थोड़ा थोड़ा करेगा, पर बहुत ज्यादा काम करेगा जिनको भी एक्ने और एक्ने मार्क्स है दोनों को इकट्ठे हटाएंगे। अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता ही होगा कि मेरा चेहरा कैसा था। अभी भी मुझे रैंडमली कभी कभी यू नो आते रहते हैं एक्ने, एक का की दो तीन ऐसे एक्ने आते रहते जो कि मैं यू नो विद इन अ वीक और शायद मैं तीन चार दिनों में उनको ठीक कर लेती हूँ। तभी आपको इतना पता नहीं चलता, आपको इतना दिखता नहीं है, पर यू नो अगर मुझे एक्ने आते हैं तो उनका मार्क्स कहाँ है, दिखाओ मुझे, मार्क्स नहीं है। तो मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं जो ट्रीटमेंट फॉलो करती हूँ, सारा कुछ मेरे घर में ही है, मैं कुछ भी मार्केट से नहीं लाती। तो उसी से ना इकट्ठे जैसे मैं उस फेस पैक को लगाती हूँ तो इकट्ठे मेरे एक्ने भी क्योर होते रहते, उसी के अंदर अंदर एक्ने का जो मार्क्स है वो भी क्योर होता रहता है। तो जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पूरा एपिसोड देखना, अगर पसंद आ जाए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, एक चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। मुल्तानी मिट्टी एक्ने के लिए, ऑयली स्किन के लिए, जिनको भी बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन की प्रॉब्लम वाइज है। मैंने सीबम प्रोडक्शन और ऑयली स्किन के लिए भी रिसेंटली बहुत अच्छा एपिसोड अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप एक बार चाहो तो देख सकते हो। तो एक्ने के लिए क्ले मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा अगर कुछ काम करता है तो वो क्ले मार्क्स ही करता है। क्ले मार्क्स में मुल्तानी मिट्टी इज माई फेवरेट। तो गाइस नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक चम्मच लिकोराइस पाउडर, यानी कि मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है ये आपके स्किन का जो यू नो टैनिंग वगैरह है उससे भी छुटकारा दिलाता है, जो पिगमेंटेशन वगैरह है उससे भी छुटकारा दिलाता है, जैसे कि अगर आपको एक्ने मार्क्स वगैरह है उससे भी छुटकारा दिलाता है। एंड द सेम टाइम लिकोराइस आपके एक्ने और एक्ने मार्क्स को इकट्ठे क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं लिकोराइस और मुल्तानी मिट्टी को रेगुलर लगाती हूँ, इसको मैं कभी नहीं छोड़ती। इसी की वजह से मेरा जो स्किन है ना अभी थोड़ा सा ठीक ठाक मतलब हो पाया है, पर मैं यू नो बहुत थैंकफुल हूँ कि लिकोराइज ने और मुल्तानी मिट्टी ने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे सिस्टिक एक्ने को क्योर करने के लिए। गाइज नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच, ये क्या है, मसूर दाल का जो पाउडर है। ये सारा बाय द वे मैं घर में ही बनाती हूँ, घर में ही उनको पहले धो धा के उनको फिर सुखा के फिर मिक्सी में इसको ग्राइंड करके डब्बे में भर के रख लेती हूँ, फिर मुझे बहुत टाइम तक चल जाता है। आप जो घर में कर पाओगे तो कर लेना, अदरवाइज आप ये मार्केट से भी ऐसे पाउडर मिलते हैं, पर मुझे लगता है कि घर में करना सही पड़ता है, आपको यू नो पता चलता है कि आप क्या लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे हो। तो मसूर दाल का पाउडर क्या करता है, आपके जो भी पिगमेंटेशन है, जो भी एक्ने मार्क्स है आपके स्किन में, एक्ने होते हैं ना तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता, पर आप मेरे स्किन में अभी देख सकते हो कोई भी मेकअप नहीं है, बिल्कुल समझ आ रहा है, मेरे फेशियल हेयर भी दिख रहे हैं, तो बिल्कुल समझ आ रहा है कि कोई मेकअप नहीं है फिर भी आपको ग्लो दिख रहा है। तो ये सारे ग्लो लाने के लिए ना मसूर दाल पाउडर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो मैं इसके लिए इसके अंदर मसूर दाल का पाउडर भी डाल रही हूँ। तो गाइस लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ राइस फ्लोर, यानी कि चावल का जो आटा होता है, यानी कि आप चावल को मिक्सी में पीस करके जो उसका जो आटा या जो चावल का जो पाउडर निकालते हो तो उसको मैंने इसके अंदर डाला है। ये भी अगेन स्किन व्हाइटनिंग में बहुत ज्यादा काम करता है, किसी भी तरीके के दाग धब्बे पिगमेंटेशन का अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी निजात दिलाने में बहुत ज्यादा काम करता है। और ये जो मैंने दाल और चावल लिया है ना ये इस तरीके से काम करता है, ये आपके दाग धब्बे तो हटाएंगे, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि दाग धब्बों को हटाते पर एक्ने के ऊपर हार्श हो जाते, आपके एक्ने को बढ़ा देते, पर ये ऐसे इंग्रेडिएंट है जैसे कि दाल और चावल का जो पाउडर है ये बिल्कुल आपके एक्ने को नहीं बढ़ाएंगे, ना ही तो ये आपके एक्ने को कम करेंगे ना ही तो बढ़ाएंगे, ये सिर्फ इकट्ठे जाके आपके जो एक्ने मार्क्स है उनको ठीक करेंगे अंदर ही अंदर, इससे आपके एक्ने बिल्कुल भी बॉदर नहीं होंगे। आपने मेरा चेहरा देख रखा है पहले से, राइट? तो यू नो आपको पता ही होगा, तो उस टाइम से मैं इन सब चीजों को इस्तेमाल कर करके अभी मैं लाइक यू नो प्रो बन चुकी हूँ कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, तो उस हिसाब से सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो गाइस ये है सारे इंग्रेडिएंट, अब इसको मैं यू नो रोज वाटर से मिक्स कर रही हूँ। बाय द वे मैं कोई भी फेस पैक अगर लगाती हूँ मैं उसके अंदर हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल जरूर करती हूँ, पर बहुत सारी मुझे कमेंट आती है कि हमारे पास हनी नहीं है, हमें हनी सूट नहीं करता, हम नहीं इस्तेमाल करते, तो उस हिसाब से आज के पैक में मैं बिना हनी के आपको दिखा रही हूँ कि इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हनी दोगे तो एक्ने का जो, क्योंकि हनी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो उस हिसाब से आपके जो एक्ने में जो दर्द होते हैं, मुझे बाय द वे मेरे सिस्टिक एक्ने में मुझे बहुत दर्द होते हैं, मेरा पूरा चेहरा फूल जाता है जब भी अगर मुझे भर के आ जाए, तो उस हिसाब से क्या करेगा जो शहद है वो आपको एक्ने को भी ठीक करेगा और उसका जो दर्द होता है
उससे भी आपको रिलीफ दिलाने में मदद करता है। अगर हो सके तो इसके अंदर हनी जरूर डालना। तभी इसको यू नो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करें तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। बाय द वे मैं कभी भी मैंने बहुत टाइम से कहा है कि अगर आपको एक्ने वगैरह है तो स्किन में जो सिलिकॉन का ब्रश वगैरह आता है या जो फेस वर्क लगाने का जो ब्रश वगैरह आते हैं उनको ना इस्तेमाल करके अपने हाथों को इस्तेमाल करो, ताकि आपके एक्ने इरिटेट ना हो और उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह बाहर से ना जाए। तो बिल्कुल हाथ धो के आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अभी मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। इससे आपके स्किन में इतना ग्लो इफेक्ट आएगा ना, आप इस्तेमाल करोगे, आप एक हफ्ता भी इस्तेमाल करोगे ना तो आपको इसका इफेक्ट समझ आने लगेगा। तो चलो इसको मैं रखती हूँ 15 मिनट तक, क्योंकि आपको इसको 15 मिनट तक ही रखना है। तो चलिए इसको 15 मिनट रखते हैं, फिर इसको वॉश करने के बाद फिर दोबारा आपसे आके मिलते हैं। हेलो, वेलकम बैक। इस बीच काफी कुछ हो गया, मेरी इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी, तो इस बीच मैंने डिनर किया, उसको मैंने पैक को 15 मिनट रखा, फिर उसको रिमूव किया और अभी आप इफेक्ट देख सकते हो, जबकि घंटा भर हो चुका है इसके बीच में। तो इसको ऐसे नॉर्मली अगर आप इसको रिमूव भी कर रहे हो यानी कि वॉश करने के बाद, जो भी आपका नॉर्मल जो रूटीन है, आप टोनर लगाना चाहते हो तो टोनर लगा सकते हो, मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हो तो मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, जो भी आपका नॉर्मल स्किन केयर का रूटीन है इसके बाद आप कर सकते हो, उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पैक को आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो दिन में एक बार, और इससे आपको एक हफ्ते में आपको इतना विजुअल रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। एक हफ्ते में देखो एक्ने मुझे कुछ 3-4 साल लगे मुझे सब कुछ ठीक होने में, तो इतने कम में तो कुछ नहीं होता। फिर भी आपको एक हफ्ते में अगर आपने 7 दिन लगातार भी किया तो आपको एक इफेक्ट इसका दिखेगा कि हाँ इसने काम किया। इस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करना, मुझे कमेंट में बताना कि इसने किस तरीके से काम किया, कितना अच्छा काम किया। अगर नहीं भी किया तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए गाइस आज का एपिसोड नहीं खत्म करते, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, चाहो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर एंड बाय बाय।